हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक एंड दिस इज द GS1 पेपर फॉर यू ऑल। UPSC ने आज GS1 का पेपर हो चुका है तो उसका हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन आए थे, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, चीज़ें हम बहुत शॉर्टली और बहुत स्वीटली आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेंगे कि क्या पैटर्न है, क्या पूछ रहा है UPSC। तो GS1 की अगर हम बात करें तो GS1 में जो सिलेबस है वो आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है, आर्ट वाला पार्ट है एंड इसके अलावा जियोग्राफी वाला पार्ट है, सोसाइटी का थोड़ा पार्ट आता है। दिस इज द GS1 फॉर यू। सो लेट्स सी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा। वैसे अगर मैंने ओपन जो एक प्राइमा फेसी पेपर जो मैंने देखा है, आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड मिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स। सारी चीजें पूछी गई इस पेपर में, हिस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी इस पेपर में, आपको सोसाइटी भी देखने को मिलेगी, आपको ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप आर्ट एंड कल्चर के तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। अब इसमें जैसे क्वेश्चन किस फॉर्मेट पर रहते हैं, तो 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन रहते हैं, नंबर 1 से नंबर 10 जो क्वेश्चन रहते हैं वो 150 वर्ड्स में लिखने पड़ते हैं, और 11 से 20 के जो हैं वो 250 वर्ड्स में लिखने पड़ते हैं। ये 10 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं और ये रहते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 250 नंबर का आपका पेपर होता है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज ऑफ इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। तो बिल्कुल सही बात है, रॉक कट आर्किटेक्चर को अगर हम देखें तो इंडियन हिस्ट्री का, आर्ट का बहुत प्यारा वहाँ से हमको सोर्स ऑफ नॉलेज मिलता है। क्योंकि अगर अपन ये देखें जो प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री है, जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, यानी कि जब लिखा नहीं जाता था। प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है, द पार्ट ऑफ हिस्ट्री विच वॉज नॉट रिटन इन द रिटन इन द मैन्युस्क्रिप्शन ऑल। जो चीजें लिखी नहीं गई हैं उसके पहले का जो पार्ट है वो प्री हिस्टोरिक कहलाता है। तो वहां पे रॉक कट आर्किटेक्चर, उसके अंदर जो पेंटिंग्स बना दी गई या उसके ऊपर कहीं कोई एडिक टाइप का बना दिया गया, तो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑब्वियसली। तो यही सारी चीजें आपको एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करना है कि कहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उसमें बहुत सारी चीजें आप बता सकते हो, चाहे वो मौर्यन एम्पायर की चीजें हों, चाहे बुद्धिज्म के टाइम की चीजें हों, चाहे उसके पहले की चीजें हों। इनफैक्ट आप इसमें जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, लखुड़ियार की गुफाएं हैं, ये सारे के एग्जांपल दे करके वहां से भी सोर्स ऑफ नॉलेज ले सकते हो। कि मीजोलिथिक का भी नॉलेज आपको मिल जाता है, अपर चैल्कोलिथिक का भी नॉलेज मिल जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा रॉकट का जो भी आपके ममल्लापुरम के एग्जांपल हैं, है ना, आपको अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, ऐसी कुछ गुफाएं वहां से जो आपको नॉलेज मिलता है वो सारे आपको कोट कर देने चाहिए थे यहां पे। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया इन्यूमरेट। तो यहां पर आपको पाला डायनेस्टी का जो रोल था, पाला डायनेस्टी आप सबको पता कि इन्होंने बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म दोनों को ही कहना चाहिए कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी शरण दी थी, और काफ़ी इनके बढ़ोतरी में काफ़ी काम भी किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को ले लो, या कुछ ऐसा नॉलेज इसके प्रति अगर देखो तो मोनेस्ट्री, या आपने जैसे इनके लिए जो भी चीज़ें रहने की जगहें बनवाई थी, या इनके रुकने के स्थान बनाए थे, इनके वर्शिप के प्लेस बनाए थे, ठीक है ना। तो चैत्य हो गया, मोनेस्ट्री हो गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं पाला पीरियड की आपको अगर पता है, इनके नाम पता है, धर्मपाला ने क्या रोल प्ले किया था वो भी कर सकते थे, देवपाला का रोल आप बता सकते थे, ठीक है ना। तो अलग अलग चीजें अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो 10 नंबर में इट वाज नॉट वेरी, ऐसा नहीं था कि अगर आपने थोड़ा सा ही पढ़ा है तो आप लिख सकते थे, ठीक है ना। देन एक बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था, जैसे कि इवैल्यूएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस ऑन द नेशनल मूवमेंट। तो लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसीज थी, अब आप सबको पता है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, ये सारी चीजें वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही हुई थी, है ना। तो लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज और उनके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस लिखने थे नेशनल मूवमेंट के ऊपर। इट वॉज अगेन अ इजी क्वेश्चन जिसको कि आपने डायरेक्टली पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। आगे देखें तो डिस्कस द जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरकम पैसिफिक जोन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जियोग्राफी। सरकम पैसिफिक जोन जो रहती है काफी इंपॉर्टेंट है, सरकम पैसिफिक जोन वहां पे किस तरीके से आपको उसमें डिस्कस करना था कि किस तरीके की बाउंड्री है वो, मतलब कि कन्वर्जेंट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट बाउंड्री है, वहां पे रिंग ऑफ फायर का भी डिस्कस आप कर सकते थे। अलग अलग जो जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप वहां पे डिस्कस कर सकते थे, कि कौन सा सब ड्यूइंग है, कौन सा अंदर जा रहा है, कौन सा पार्ट ऊपर आ रहा है ना, ये सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते थे इस क्वेश्चन में। सो इट वॉज अगेन अ वेरी फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन ओनली। नाउ दिस वॉज अ थॉट वर्थी क्वेश्चन। जैसा अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज। अब यहाँ पर देखा आपको बताना है कि जैसे इसमें क्या आप कर सकते थे कि कहाँ कहाँ पर डेजर्टिफिकेशन की जो समस्याएं वो हो रही हैं, और आपको ये दिखाना चाहिए था कि वो किस अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी
इंडिया में ही अगर हम देखें तो डेजर्टिफिकेशन के काफ़ी इंस्टेंसेस आपको मिल जाएंगे, जो भी इवन जो राजस्थान वाला एरिया है वो हो गया, और आपका जो बारिश वाला एरिया है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन की समस्या देखने को मिल रही है। साउथ इंडिया में आपको डेजर्टिफिकेशन की समस्या देखने को मिल रही है कई जगह। तो ये इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन, ऐसा नहीं कि हम केवल बोल सकते हैं कि एरिड प्लेसेस में ही आपको डेजर्टिफिकेशन देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो वहाँ पर भी डेजर्टिफिकेशन है, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेजर्टिफिकेशन देयर, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, मतलब कि क्लाइमेट एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं, वो सारी चीज आपको यहाँ पे लिखनी थी। हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स हैव द फार रीचिंग इंपैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, है ना, वाटर रिसोर्सेज पर किस तरीके से हिमालयन ग्लेशियर्स के पिघलने का इंपैक्ट पड़ेगा। आप देखो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है, How will the melting of Himalayan glaciers have far-reaching impact on the water resources of India? तो आपको water resources से stick करके ही चलना है। देखो क्या होता है, UPSC जब भी कोई question पूछता है, there is a inner reading in that। आपको उसको थोड़ा literal sense में इंटीरियर रीडिंग भी करनी है, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। अब जैसे इसमें पूछ लिया है कि हिमालयन ग्लेशियर्स का फार रीचिंग इंपैक्ट होगा वाटर रिसोर्सेज में, तो अगर आप फालतू की चीज़ें लिखेंगे कि जैसे कि कोई और चीज़ लिखोगे, मतलब कि इसके अलावा कोई और चीज़ लिखोगे कि वाटर रिसोर्सेज, जैसे आपने बोला कि ठीक है ऐसे वाटर रिसोर्स का, जैसे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके उनमें पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो रिवर्स नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं, जैसे कि जो रिवर्स ऐसी हैं कि जिनमें बाढ़ नहीं आता वहाँ पे बाढ़ आने लगेगा, ये सारी चीज़ें तो लिखोगे, लेकिन उसका फिर इम्पैक्ट अगर आप लाइफ पे बताने लगे कि भाई इससे क्या होगा कि जान और माल का खतरा है, ये सब चीज़ें, तो ये जो है ये फिर बीटिंग अराउंड द बुशेज है, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं, उसने वाटर रिसोर्सेज की बात की है ना। तो थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन, दैट वॉज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो यू बहुत कम कंटेंट है इस पे लिखने के लिए, है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय गिविंग एग्जांपल्स। अब यहाँ पे ये तो इजी है, देखो यहाँ पे क्या है, पहले जो होता था इनिशियल फेज में क्या होता, अगर आपने एनसीईआरटी 12th क्लास की पढ़ी, मैंने कहा है कि एनसीईआरटी 12th क्लास की अगर आप पढ़ लो तो आपको ज्योग्राफी में लिखा हुआ है वहाँ पर कि पहले जो इनिशियल फेज में इंडस्ट्रीज बनती थी वो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स के पहले बनती थी, पास बनती थी, क्यों, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, पहले स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। बट आजकल जो क्या है, अब क्या है कि अब ये एक प्रॉब्लम नहीं रही है, और ऐसे छोटी छोटी मॉड्यूलर टाइप की यूनिट्स बनने लगी हैं, है ना, मॉड्यूलर टाइप्स की मोबाइल यूनिट्स बनने लगी हैं जो कि आपके दूर दराज के इलाकों में भी पॉसिबल हो पाई हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल से दूर हट करके भी आप इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं, तो उसी को आपको लिखना था। एनसीईआरटी क्लास 12th में आपको इसके लिए सजेस्ट करता हूं, क्लास 12th की एनसीईआरटी पार्ट 2 जो है, एनसीईआरटी पार्ट 2 ऑफ क्लास 12th जो है वो आप पढ़ लीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। How caste lost its relevance in understanding the multicultural Indian society? Elaborate your answer with illustrations. अब देखो यहाँ पर है, how has caste lost its relevance in understanding the multicultural Indian society? तो इंडिया की जो सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा कल्चरल है, मल्टीकल्चरल है, तो क्या कास्ट ने अपना जो रेलिवेंस है, या फिर कहना चाहिए प्रासंगिकता है हिंदी में जो बोले, तो क्या कास्ट ने अपनी रेलिवेंस लूज कर दी है? Elaborate your answer with illustrations। तो अब आप यहां पे क्या होता है, जब ऐसा क्वेश्चन आए कि elaborate your answer with illustrations और has caste, तो यहां पर आपको एक balanced लेकर के चलना पड़ेगा। balance कैसे लेकर के चलना पड़ेगा, आपको एक aspect तो बताना पड़ेगा कि किस तरीके से caste ने अपना relevance नहीं खोया है। जैसे कि for example आज भी अगर इंडिया में हम intercaste marriages की बात कर लेते हैं, वहां पर अगर देखो तो आज भी caste बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, है ना। लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज की, कॉर्पोरेटाइजेशन की, जब कैपिटलिज्म वाले पार्ट की, तो वहां पर अगर देखो तो कास्ट बाउंड्रीज बहुत कम दिखती हैं। तो दोनों के बीच में बैलेंस बना करके आपको लिखना पड़ेगा, मतलब कि कुछ एस्पेक्ट्स में तो अभी भी कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट अगर हम दूसरे एस्पेक्ट्स देखें तो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका इंपैक्ट कम हुआ है। ये इस तरीके से आप एक एंड कर सकते थे इस आंसर को, वही है ना कि दोनों पार्ट आप डिस्कस करिएगा। आगे एक कोविड का क्वेश्चन आ ही गया फाइनली, ठीक है अच्छा, कम से कम 10 नंबर में तो पूछा, कोविड-19 पैंडेमिक एक्सेलरेटेड द क्लास इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी इन इंडिया। कितनी बार न जाने हमने अपने न्यूज आंसर न्यूज डिस्कशन में ये चीज डिस्कस की होगी, लाखों बार हमने डिस्कशन किया होगा कि क्या क्या किस तरीके से जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं, है ना। ये सारी चीज वही चीजें आपको लिखनी थी, भाई जॉब लूज कर दिया, इन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था वहां पर जॉब लॉस हुआ, जो माइग्रेंट लेबर्स की प्लाइट थी वो दिखाओ कि और बढ़ गई है ना, जो छोटे बिजनेसेस थे वो तो लगभग बंद हो गए,
है ना। तो इस तरीके के जो चीजें हैं उन सबको आपको जिक्र करना था। डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी कंसिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस, यानी कि सांस्कृतिक मुखरता है अपने, मतलब जैसे जो आपका कल्चर है उसको आप बहुत ज्यादा जो सुपीरियर मानने लगते हैं या फिर बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि उसको वेटेज देने लगते हैं, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो फिर आपका रीजनलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसमें मराठा का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लिख सकते हो, है ना। महाराष्ट्र जो है मराठा कल्चर को लेकर के बहुत ज्यादा उसमें है, और मराठा कल्चर का जो उनका वो है वो चीज फिर बाद में कन्वर्ट हो जाती है इन द रीजनलिज्म पार्ट। फिर मुंबई में कोई अगर यूपी बिहार से आते तो बोलते हैं ये दूसरे कल्चर के लोग हैं और ये जो है यहाँ का कल्चर खराब कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली दे आर्ग्यू दैट दे आर डिस्ट्रॉइंग द कल्चर ऑफ दिस प्लेस, इस तरीके से वो हो जाता है। यही वो चाहते थे और आंसर में आर्ग्यूमेंट यही चाहते हैं, मतलब कि इसमें आपको दोनों एस्पेक्ट से आप डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से ऐसा हो भी रहा है और कई जगहों पर ऐसा है कि रीजनलिज्म जो है वो कल्चरल असर्टिवनेस के सेपरेट भी है। लेकिन जैसे साउथ इंडिया में हो गया, साउथ इंडिया में कई पार्ट ऐसे हैं जहां पर भी ये बात है कि कल्चर जो है वो साउथ इंडिया का कल्चर अलग है, सुप्रीम है, सब होता है, और यहाँ पर ऊपर से या नॉर्थ इंडिया के जो लोग आ रहे हैं सो देयर कल्चर इज नॉट दैट गुड, ऐसा भी होता है कई जगहों पे बिना कल्चरल डिफरेंसेस के, मतलब कि कल्चर का कोई रीजन ही नहीं है, वो कोई और रीजन है, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कश्मीर वाला अगर रीजन देखो, कश्मीर का रीजन अगर देखो तो कश्मीर में कल्चरल इतना ज्यादा वो नहीं है जो डिस्प्यूट है, वहां पे कुछ अलग दूसरे रीजन है, ठीक है ना। तो वहां पर ऐसा है, नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वहां थोड़ा कल्चरल का पार्ट आता है, तो आप यहां पे एग्री कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं। अगला जो है क्वेश्चन वो है, इंडियन फिलॉसफी एंड ट्रेडिशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड देयर आर्ट इन इंडिया। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। फिलॉसफी का रोल पूछा है, इंडियन फिलॉसफी का रोल पूछा है इन द मॉन्यूमेंट्स एंड आर्ट, तो मॉन्यूमेंट और आर्ट में रोल पूछा है, तो बहुत अच्छा आप आंसर लिख सकते थे। जैसे फिलॉसफी में तो बुद्धिज्म भी आती है, फिलॉसफी में आपका जैनिज्म भी आता है, फिलॉसफी में ये सारे पार्ट आते हैं। और किस तरीके से इन्होंने, जैसे मॉडर्न पीरियड में एडिक्ट्स की बात करें, अशोकन पीरियड में एडिक्ट्स की बात करें, इसके अलावा पेंटिंग्स की अगर हम बात करें, जो पेंटिंग्स के ऊपर इम्पैक्ट आया, हमने केव्स में देखा कि अजंता अलोरा किस तरीके से बुद्धिज्म फिलॉसफी से, हिंदुज्म की फिलॉसफी से, किस तरीके से बहुत सारी फिलॉसफी से प्रभावित थी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते थे। दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, और बहुत प्यारा आंसर आप लिख सकते थे। आगे क्वेश्चन देखिए, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज इन मिडिएवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज, कमेंट। तो यहाँ पर जितने भी मीडिया, जिसने भी आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है क्लास 7th की, एनसीईआरटी पढ़ी है अगर क्लास 11th की, सतीश चंद्रा, तो वो आंसर लिख सकते थे। जो पर्शियन लिटरेचर है, चाहे वो बर्नी का लिटरेचर हो, चाहे वो उस समय शम्स सिराज का लिटरेचर हो, है ना, तो ये अलग अलग लिटरेचर में उस टाइम के बारे में, उस टाइम में किस तरीके का कल्चर था, उस टाइम में किस तरीके की स्पिरिट थी, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो यहाँ पे कुछ आपको उनका जिक्र करना था, लेकिन पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज, यू हैड टू स्टिक टू द पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज, है ना। ये आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात थी। जैसे फिरोज शाह तुगलक के ऊपर एक किताब लिखी गई थी, फिरोज शाही के तारीख है, फिरोज शाही लिखी गई थी, है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप जिक्र करते हैं, और वहाँ पे किस तरीके से तुगलक के टाइम की चीज़ें जो है वो मेंशन की गई हैं वो आप लिख सकते थे। अगला सवाल है, सिंस द डिकेड ऑफ 1920s द नेशनल मूवमेंट एक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स एंड देयर बाय एक्सपेंडेड इट्स सोशल बेस। 1920 के बाद से जो नेशनल मूवमेंट था, इट एक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स एंड देयर बाय एक्सपेंडेड इट्स सोशल बेस। तो आपको बताना कि 1920s के बाद अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग मिलना शुरू हो गए और इस कारण से उसका सोशल बेस थोड़ा बढ़ गया। तो इसमें सबसे पहले इंस्टेंस तो आप वही लिख सकते हैं कि खिलाफत प्लस महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन जो है वो मर्ज हो गया था 1919 के बाद, है ना, 1920, 21, 22 में। तो वहाँ पे एक मुस्लिम का बेस आ गया और दूसरा आपका हिंदुइज्म का बेस था ही, है ना, और ऑटोमन एम्पायर की कुछ चीज़ें हमने ली। फिर इसके बाद और दूसरे जो प्रोएक्टिव ग्रुप थे, है ना, प्रोएक्टिव वाले ग्रुप वाले लोग आए, तो दूसरी आइडियोलॉजीज और मिक्स होने लगी। फिर धीरे धीरे उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी भी आ गई, तो लोगों ने बोला कि भाई हम पावर भी आएंगे। जैसे कि उसमें फिर एग्जांपल दे सकते थे, सीआर दास का एग्जांपल दे सकते थे आप, मोतीलाल नेहरू का एग्जांपल दे सकते थे, जिन्होंने कहा था कि हम भाई उसके अंदर से पार्लियामेंट के अंदर जाके, लेजिस्लेचर के अंदर जाके कि उनका अपोज करेंगे। तो दीज वर द थिंग्स, एंड धीरे धीरे फिर ये मूवमेंट और ज्यादा बढ़ता गया। आप फिर अगला जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा उसमें आप देखेंगे कि लॉयर्स हो गए, पुलिस हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, वुमेन हो गई, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं उसका हिस्सा थी, है ना। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे सोशल मूवमेंट का जो बेस है वो बढ़ता रहा, और इसमें किस तरीके से डिफरेंट आइडियोलॉजीज मर्ज होती गई उसका आप एक जिक्र कर सकते थे फ्रॉम 1920s।
अगला क्वेश्चन था वो द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन प्रोवाइड वायबल सॉल्यूशन फॉर द मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट फ्लड एंड इंटरप्टेड नेविगेशन क्रिटिकली एग्जामाइन। तो किस तरीके से इसमें आपको दोनों चीजें डिस्कस करनी है, इंटरलिंकिंग की समस्याएं भी डिस्कस करनी है और इंटरलिंकिंग से किस तरीके से ड्रॉट फ्लड और नेविगेशन की समस्या समाप्त होगी, ये दोनों ही डिस्कस करना है। क्रिटिकली एग्जामाइन में आपको दोनों चीजें डिस्कस करनी है। अगला है अकाउंट फॉर द ह्यूज फ्लडिंग ऑफ बिलियन सिटीज इन इंडिया इंक्लूडिंग द स्मार्ट वंस लाइक हैदराबाद एंड पुणे सजेस्ट द लास्टिंग रेमेडियल मेजर्स। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कई बार, जैसे कि हमने बताया है कि जो सिटीज में इस समय फ्लड है उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो अनप्लान्ड सिटीज है, अनप्लान्ड सिटी कल्चर है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। तो प्लानिंग ऑफ द सिटीज इसका रेमेडियल मेजर हो जाएगा, चाहे वो चेन्नई हो चाहे मुंबई में फ्लड्स हो। यहाँ पे हम दोनों जगह देखा था कि किस तरीके से पानी निकलने के रास्ते ही नहीं है, पानी अंदर आ गया तो सिटी इतनी अनप्लान्ड है कि वो पानी अंदर जमा रह जाता है ना। तो ये सारे कारण आपको लिखने थे उसमें सिटीज का डेवलप, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो तो भी उसमें इतना ज्यादा प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया गया है, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। अगला सवाल देखो तो इंडिया हैज इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी, दो दीज आर रीजनल, दो देर आर रीजनल वेरिएशंस। इसमें ISA भी लिख सकते थे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से शुरुआत कर सकते थे आप, ये हमने बनाया। इसके बाद आप अलग अलग रीजन्स में किस तरीके से सोलर एनर्जी डेवलप हो रही है, जैसे कि गुजरात में ज़्यादा डेवलप हो रही है तो गुजरात का एग्जाम्पल दे सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी कई पार्ट्स में अच्छा खासा काम चल रहा है, चाहे रीवा का अल्ट्रा सोलर पावर प्रोजेक्ट हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अभी रिसेंटली ओमकारेश्वर के लिए भी एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की बात की गई थी, मैंने आपको बताया था, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द गुड पॉइंट्स। और इसमें रीजनल वेरिएशंस डाल सकते हैं कि किस तरीके से ऐसे एरियाज जहां पर थोड़ा बारिश कम होती है वहां पर ज्यादा वहां पे फिजिबिलिटी है, ज्यादा वहां पर पोटेंशियल है, ज्यादा एफिशिएंसी है। एग्जामाइन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड इट्स रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज का स्टेटस बताना है और किस तरीके से वो क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसमें जैसे आप लिख सकते हैं सिटी कल्चर डेवलप हो रहा है, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, अर्बनाइजेशन के कारण आपका जो लैंड यूज पैटर्न है, लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है, और लैंड यूज पैटर्न के चेंज होने के कारण क्या होता है, जो आपके फॉरेस्ट एरियाज हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आप फॉरेस्ट को कम करके ही तो आप बाकी काम करोगे। एग्रीकल्चर लैंड जितना था वो फिक्स है, आप बाकी चीज़ें में आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज आप हटा नहीं रहे हो, आपको रहने के लिए पॉपुलेशन आपकी अल्टीमेटली बढ़ती जा रही है, तो आप क्या करोगे, अल्टीमेटली आप उन एरियाज को ख़त्म करोगे जो पास्चर्स वाले एरिया हैं या फ्लड ये आपके फॉरेस्ट वाले एरियाज हैं उनको ख़त्म करोगे, और उस कारण से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज पर, ये भी आपको लिखना था। अगला सवाल है इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जस्टिफाई योर आंसर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है, इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड जस्टिफाई। तो इसमें भी आपको क्या करना है, जैसे कि दोनों ही एस्पेक्ट आप बता सकते हो कि किस तरीके से जो डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म है वो ग्लोबलाइजेशन के कारण थ्रेट पे है और क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो क्यों थ्रेट पे है कि डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, ये बताना है आपको, और क्यों थ्रेट में नहीं है, दोनों ही पार्ट आप यहाँ पर चाहें तो डिस्कस करके बीच लास्ट में एक फाइनल ले सकते हैं कि नहीं ये फाइनली मुझे ऐसा लगता है, ऊपर हमने ऊपर दोनों चीज़ें देखी और लास्ट में हमको ये दोनों चीज़ें देख करके ऐसा ऐसा लगता है कि ग्लोबलाइजेशन के अपने अलग एडवांटेजेस हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के साथ कहीं ना कहीं हमको अपने जो हमारा कल्चरल एस्पेक्ट है उसको भी ध्यान में रख के चलना चाहिए। एक बैलेंस्ड आंसर होता है, वो वे फॉरवर्ड टाइप की चीज़ होती है, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अगला है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, लेकिन ये टफ क्वेश्चन में था, अगर टफ क्वेश्चन में पूछे तो दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इन द पेपर, 18th क्वेश्चन जो था, दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इन द पेपर। 19th क्वेश्चन देखिए, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस सप्रेस रीजंस लीडिंग टू ऑब्सक्योरेंटिज्म्स। बिल्कुल सही बात है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के कारण जो होता है हमारा रीजनिंग जो है वो दब जाता है और इससे फिर जो ऑब्सक्योरेंटिज्म है वो शुरू हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले हम बोलते थे कि हम ओशियन पार नहीं करेंगे, समुंदर पार नहीं करेंगे, इस कारण से कई नुकसान हमको देखने के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने बोला कि हम डेड बॉडीज नहीं टच करेंगे, इस कारण से जो हमारी जो सुश्रुत और चरक के टाइम पे इतना आगे मेडिकल साइंस बढ़ गया था वो गुप्ता पीरियड के बाद बिल्कुल रुक गया। क्यों? क्योंकि उस समय ये चल गया कि भाई हम डेड बॉडी टच ही नहीं करेंगे, हम अगर डेड बॉडी टच करते हैं तो हम अपवित्र हो जाते हैं, हम अछूत हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें थी वो उस समय चली। तो ये एक है रीति रिवाज को लेकर के हमने इतना उनको आगे ले लिया कि वो हमारे तर्क पे भारी पड़ गए, और जब वो हमारे तर्क पे भारी पड़ गए तो उससे क्या हुआ, एक ऑब्सक्योरेंटिज्म आ गया सोसाइटी में, ऑब्सक्योरेंटिज्म आ गया, रूढ़िवादिता आ गई सोसाइटी के अंदर, दैट इज द थिंग विच इज देयर। क्वेश्चन नंबर 20 देखे तो हाउ हैव डिजिटल इनिशिएटिव्स इन इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री, एलैबोरेट योर आंसर। इसमें भी आप कोविड 19 का जिक्र
जिक्र जरूर करना है ना, किस तरीके से जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं उन्होंने मदद की है इन द फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे आप निष्ठा पोर्टल का जिक्र कर सकते हो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, मैंने बताया था, दीक्षा पोर्टल का जिक्र कर सकते हो, इसके अलावा आप जैसे कि स्वयं पोर्टल है, स्वयं पोर्टल का जिक्र कर सकते हो, सारे इनिशिएटिव्स के नाम तो आप जरूर डालिए। फिर COVID-19 के टाइम पे ई एजुकेशन, टेली एजुकेशन, जो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, इन सब चीज़ों का जिक्र करें। लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी है, वो भी आप बताइए, है ना, थोड़ा सा डिस्कस करिए इस चीज़ को। निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि कंसंट्रेशन का लेवल घटता जाता है, इसके बाद और जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि वहाँ पे एक इमोशनल कनेक्ट नहीं बन पाता, ये एक इनिशिएटिव में प्रॉब्लम रहती है। तो ऑल दिस थिंग्स कुड हैव बीन डिस्कस्ड इन द आंसर। दिस वॉज योर पेपर फॉर UPSC 2020 GS1। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। अब आपने जो भी पॉइंट लिखे हैं जिस क्वेश्चन में, आप वो अगर बताना चाहें तो प्लीज डिटेल अस इन द कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।